नमस्कार साथियों, आज हम तीन महत्वपूर्ण ग्रंथों की तुलनात्मक विश्लेषण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं? पहला, जो आपको पता है, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य और चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक आचार्य मनु के द्वारा लिखित मनुस्मृति है। तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक आचार्य शुक्राचार्य या शुक्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक शुक्र नीति सार है। अर्थशास्त्र, मानव धर्म शास्त्र या शुक्र नीति शास्त्र, इन तीन ग्रंथों की तीन मूल विचारों के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। पहला विचार एक रिलीजियस आइडिया है, एक धार्मिक विचार है। दूसरा विचार एक सोशल आइडियाज है, सोशल व्यू है, सामाजिक दृष्टिकोण है, सामाजिक चिंतन है। तीसरा आइडिया पॉलिटिकल व्यूज है, तुलनात्मक विश्लेषण है, राजनीतिक, सामाजिक और रिलीजियस। इन तीनों के बीच कंपेरेटिव एनालिसिस किया जाएगा, तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा। तो आइए तीनों के बारे में हम तुलनात्मक विवेचन है ब्रीफ। पहली पुस्तक आर श्याम शास्त्री के द्वारा इंग्लिश में, जो संस्कृत स्कॉलर था उसके द्वारा ट्रांसलेटेड है इंग्लिश में। दूसरी पुस्तक द्विवेदी के द्वारा मनुस्मृति अनुवादित किया है संस्कृत से हिंदी में। और तीसरी पुस्तक भी अनुवादित है संस्कृत से हिंदी में, शुक्र नीति सार। ये तीन पुस्तकें हैं क्लासिकल टेक्स्ट, जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। मैंने कई बार जो बताया कि ये जो आधार हैं उन आधारों को रेफरेंस बुक कहा जाता है। ऐसी संदर्भित पुस्तक, क्लासिकल पुस्तक जो खुद लेखक के द्वारा लिखी गई और उसी को मूल स्वरूप में या तो ट्रांसलेटेड किया गया, अनुवादित किया गया, या उस टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान दे के लिखा गया है। तो इनमें तीनों पुस्तकों में तीनों विचारकों के अपने अपने आइडिया के अलावा दूसरे के आइडिया के बारे में बात नहीं की गई है। चाहे वो आर श्याम शास्त्री ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ट्रांसलेशन किया हो, चाहे वे पंडित गिरजा प्रसाद की द्वारा मनुस्मृति का अनुवाद किया गया हो, और चाहे वह शुक्र नीति साहा का अनुवाद किया गया हो। धार्मिक चिंतन, उसके बाद सामाजिक चिंतन और सबसे अंत में राजनीतिक चिंतन, ये तीन जो चिंतन हैं उनका तुलनात्मक विश्लेषण क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं रचनाकाल। पहली जो पुस्तक यहाँ है अर्थशास्त्र है, दूसरी जो पुस्तक है वह मनुस्मृति है, और तीसरी जो पुस्तक है वह आचार्य शुक्र की शुक्र नीति सार है। इन तीनों पुस्तकों की अंतर्गत विषय वस्तु कंटेंट क्या है उसका सार जानते हैं। अर्थशास्त्र तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व लिखी की लगभग, मनुस्मृति दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई स्मृति है, मेमोरीज ऑफ मनु, और शुक्र नीति सार 9वीं से 10वीं लगभग शताब्दी ईस्वी की रचना मानी जाती है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं, जिन्हें कुटिल वंश में जन्म लेने के कारण चाणक्य उपनाम से भी जाना जाता है, और उनका मूल नाम आचार्य विष्णुगुप्त था, जिसकी पहले भी हमने परिचर्चा की है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में, तक्षशिला में शिक्षक के रूप में, और नंदवंश के विनाशक के रूप में, और चंद्रगुप्त मौर्य को एक बड़ा सम्राट बनाने के रूप में, और उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक का जिक्र हमने किया उस साहित्य में। दूसरे पुस्तक के लेखक आचार्य मनु, जिनका अस्तित्व विवादास्पद है, क्या थे नहीं थे कोई हमारे पास प्रमाण नहीं, एक कथा साहित्य है, कहानी है, इमेजिनेशन है, काल्पनिक चित्र है। तीसरे शुक्राचार्य, जिनका ग्रंथ अपने पास उपलब्ध है और उसका
संस्कृत और इंग्लिश दोनों वर्जन अपने पास उपलब्ध हैं। सामान्यतः शुक्राचार्य की जो शुक्र नीति सार है उसमें 4 अध्याय हैं और अनेकों श्लोक हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2685 श्लोक हैं। इसकी भाषा भी संस्कृत है, इसकी भाषा भी संस्कृत है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की मूल भाषा भी संस्कृत है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, बुक्स हैं, वॉल्यूम जिसको कह सकते हो, 150 चैप्टर्स हैं, प्रकरण जिनको कहा जाता है, और 180 खंड सेक्शंस हैं तथा लगभग 6000 श्लोक हैं। जिस गद्य पद्य शैली में इस ग्रंथ को लिखा गया है, आइए तीनों के धार्मिक चिंतन का कंपैरिजन करते हैं। कौटिल्य का जो धार्मिक चिंतन है वह धार्मिक कम है, आर्थिक ज्यादा है। मनु का जो धार्मिक चिंतन है वो धार्मिक चिंतन ही है, आर्थिक चावार या भौतिकवाद कम है। और शुक्र नीति सार का जो धार्मिक चिंतन है वह मनु के चिंतन के समानांतर है। इन तीनों विचारकों में कौटिल्य एकमात्र ऐसा विचारक है जिसको हम भारतीय राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कह सकते हैं, जिन्होंने न केवल भौतिकवाद का समर्थन किया अपितु यथार्थवाद का भी समर्थन किया, चावार्कवाद का भी समर्थन किया और अंशतः धार्मिक स्वरूप का भी समर्थन किया है, वैदिक साहित्य का भी समर्थन किया है, आर्यों का समर्थन किया है, पुरुष समाज का समर्थन किया है और अंततः अर्थ पर ज्यादा बल दिया है। इसीलिए धर्म और दंड की बात कही है, राजा को दंड धर कहा गया है, शासनहर कहा गया है, जो शासन चलाता है वह धर्म का पालन करे। परंतु कौटिल्य कहते हैं कि धर्म की जो है और जो कर्म है वह अर्थ पर निर्भर होता है, तो अर्थ इम्पोर्टेंट है कौटिल्य के अनुसार, परंतु मनु के अनुसार धर्म महत्वपूर्ण है। धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष, मोक्ष का जो रास्ता है वो धर्म से प्रारंभ होता है, जबकि कौटिल्य कहते हैं कि ये धर्म कम महत्वपूर्ण है, अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4 की अपेक्षा वो 3 पुरुषार्थ का ज्यादा समर्थन करते हैं, धर्म, अर्थ और कर्म, मोक्ष में वो विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अर्थ पर धर्म और कर्म निर्भर हैं, दंड मोक्ष जो है उसकी आवश्यकता नहीं है, वो यथार्थवाद में विश्वास करते हैं। इस वजह से शुक्र भी मनु के चिंतन का समर्थन करते हैं और वो धर्म को प्रभावी मानते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और कर्म को प्रभावी मानते हैं, धर्म पहला पुरुषार्थ मानते हैं। मनु ने राज्य की उत्पत्ति का आधार ही देवी बताया है, सृष्टि की उत्पत्ति भी देवताओं ने की है, इसलिए सब कुछ ईश्वर का परिणाम है, सब कुछ कॉस्मोस है, नेचर है, इन ईश्वरीय सत्ता ने सब कुछ बनाया है, हम सब ईश्वर के संतान हैं, वर्ण व्यवस्था भी उसी का परिणाम है, तो इसलिए वो कह रहे राज्य ही ईश्वर है। और जो राजा होता है वे भगवान होता है, भगवान ही नहीं अपितु ईश्वर से भी बड़ा होता है, जिसको आप सुप्रीम गॉड कह सकते हो, जो कि 8 देवताओं की भिन्न भिन्न लक्षणों को धारण करता है। इनको धारण करना महादेवता का सिंबल है, जिसमें 8 देवता मैंने बताए, ऐसे 8 देवता जिनमें इंद्र होता है, जिनमें वरुण होता है, यम होता है, कुबेर होता है, अग्नि होता है, सूर्य होता है, इन देवताओं को स्वीकार किया गया है। पवन देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, यम देवता, कुबेर देवता, वरुण देवता, ये सब देवताओं के अंश जो हैं वो इस महादेवता में होते हैं, इंद्र, 8 देवता, इसलिए वे ईश्वरीय गुणों से वशीभूत होता है, इसलिए राजा का प्रतिरोध नहीं कर सकते, राजा को हटा नहीं सकते। देवी सिद्धांत और वैदिक साहित्य का समर्थन ज्यादा है। सामाजिक चिंतन, अगर सामाजिक चिंतन की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उस व्यवस्था को तो स्वीकार किया गया है जिसको वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था कहा जाता है, लेकिन कौटिल्य कहते हैं कि वर्ण जन्म से नहीं होते, वर्ण का निर्धारण कर्म से होता है।
कर्म जैसे मनोन स्मृति में हैं ठीक वैसे हैं, वैसे शुक्र नीति सार में कि जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा दान देना लेना ये काम करता है वह ब्राह्मण वर्ण में शामिल है। जो साहसी है दान देने में पढ़ने में रक्षा करने में समर्थ है वह क्षत्रिय वर्ण में है, और जो व्यापार का काम करता है पशुपालन व्यवसाय का काम करता है खेती व्यवसाय का काम करता है वो वैश्य है, और जो इन तीनों वर्णों के लिए असिस्ट करने का काम करता है वह शूद्र वर्ण है। इनके अलावा कुटिल्य ने दास अवस्था वर्णों से बाहर चांडाल निषाद और मलेच्छ में भी विश्वास किया है, परंतु मनुस्मृति और शुक्र नीति सार में जो वर्ण व्यवस्था है उसका आधार देवी आधार है। ब्रह्मा के मुख से उसकी भुजाओं से उदर से और पैरों से वर्णों का जन्म हुआ है, तो उनकी जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म आधार नहीं जन्म आधार पर है। जो वर्ण व्यवस्था है वो मनुस्मृति के अनुसार जन्म आधारित है, जन्म आधारित है, लेकिन कौटिल्य कहता है कि ये क्रम प्रधान व्यवस्था, जो जैसा कर्म करेगा अपने क्रम के हिसाब से वह उस वर्ण में चला जाएगा। इसलिए मोर कौटिल्यवाज मोर प्रैक्टिकल रेडर देन मनु और मनुस्मृति। आश्रम व्यवस्था में कुछ कर्म निर्धारित हैं, कौटिल्य कहता है कि वो क्रम आपको करने चाहिए। ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारी कर्म करने हैं, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ कर्म करने हैं, वानप्रस्थ में वानप्रस्थ के कर्म करने हैं और सन्यासी आश्रम में सन्यासी कर्म करने हैं। ये चार तरह के कर्म आपको करने से ही आश्रमों की व्यवस्था का निर्धारण होता है, आश्रम व्यवस्था संचालन। मनु और शुक्र कहते हैं कि ये जरूरी है द्विज के लिए कि जो द्विज हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य उनके लिए ही वर्ण और आश्रम व्यवस्था है, वो उसमें सुप्रीम होते हैं, पढ़ाई लिखाई उन्हीं का कार्य है और उन्हीं को मोक्ष प्राप्ति का प्राधिकार है, परंतु कौटिल्य इसका आधारभूत रूप से समर्थन नहीं करते। परंतु जो उन्होंने चार शाखाएं बताई हैं विद्या की नॉलेज की, फोर ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, उसमें जो त्री है सेकंड ब्रांच आण्विक से की त्री वार्ता और दंड नीति, तो त्री जो त्री वेदज्ञ में विश्वास करते हैं अथर्वेद को छोड़कर ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद इन तीनों को मिलाकर इसे त्रिवेदज्ञ त्री कहा जाता है। वेदों में जो लिखा गया है और वेदों में क्या लिखा गया ये मनुस्मृति में हमने पढ़ा, अधिकांश चीजों को वहां शामिल किया गया है। यदि हम राजनीतिक चिंतन की बात करें तो तीनों के राजनीतिक चिंतन में भी अंतर और समानताएं देखने को मिलती हैं। जहां मनु ने राज्य के देवी सिद्धांत का समर्थन किया है, कौटिल्य ने समझौता सिद्धांत का समर्थन किया है, परंतु तीनों ने सप्तांग सिद्धांत का समर्थन किया, सप्तांग सिद्धांत का समर्थन किया और सप्तांग सिद्धांत का समर्थन किया है। तीनों ने राजपद सिद्धांत का समर्थन, राजपद सिद्धांत का समर्थन और राजपद सिद्धांत का समर्थन किया है। तीनों ने राजमंडल सिद्धांत का, राजमंडल सिद्धांत का, राजमंडल सिद्धांत का समर्थन किया है। तीनों ने षाड़गुण्य नीति का, षाड़गुण्य नीति का और षाड़गुण्य नीति का समर्थन किया है। उपाय दूत और गुप्तचर व्यवस्था का तीनों ने समर्थन किया है। प्रशासनिक आर्थिक न्यायिक प्रणाली का तीनों ने अपने अपने स्वरूप में समर्थन और विवेचन किया है। इनमें पार्शियली आंशिक रूप से अंतराल है। जो हमने बताया कि जैसे हम बात करें सप्तांग सिद्धांत की, तो शुक्र ने पेड़ से तुलना की है, जबकि मनु और कौटिल्य ने मानव के शरीर के अंगों से तुलना की है। ऑर्गेनिक थ्योरी में तीनों ने विश्वास, जहां षाड़गुण्य नीति में मनु और कौटिल्य ने द्विदी भाव का थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतराल है, मनु और शुक्र में कोई अंतराल नहीं है। जहां गुप्तचर व्यवस्था और दूत व्यवस्था की बात करें, तो जहां पांच श्रेणियां बताई गई मनु ने, वहां कौटिल्य ने तीन श्रेणियां बताई है और गुप्तचर राजा होता है और शुक्र नीति के अनुसार भी इसके अनुसार भी। जब प्रशासनिक और आर्थिक प्रणाली की बात करें, न्यायिक प्रणाली की बात करें, तो तीनों ने समानांतर रूप से इसको स्वीकार किया, हालांकि उनके न्यायालयों का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में अंतर को स्वीकार किया गया है कि जो संरचना है उस संरचना को कैसे स्थापित किया जाए।
ज्ञान की चार शाखाएं बताई गई हैं, जिनमें आण्विक शिकित्री, वार्ता और दंड नीति है। कौटिल्य चारों को महत्वपूर्ण मानते हैं और चारों में दंड नीति को सबसे प्रभावशाली मानते हैं, इसलिए कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का सबनोमिक्लेचर या कंसर्निंग टाइटल भी है वो दंड नीति है। आण्विकशिकी का मतलब होता है दर्शन, इसमें योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, लोकायत नास्तिकता का दर्शन है, सभी दर्शन इसमें शामिल है। त्रि का मतलब त्रिवेदज्ञ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वार्ता का मतलब है ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, लिव स्टॉक, कृषि, पशुपालन, व्यवसाय। और दंड नीति का मतलब है रूलर, शासन, रूल, शासन कैसे किया जाता है, शासन के क्या आधार हैं और शासक अपने शासन को कैसे चलाए, वे किस तरह से शासन करे, किसकी सहायता से करे, उसको दंड कहते हैं, पनिशमेंट कहते हैं। दंड नीति सर्वश्रेष्ठ नीति मानी जाती है, परंतु कौटिल्य कहते हैं कि दंड नीति का प्रयोग, दंड का प्रयोग बड़ी सोच समझकर, चिंतन मनन करके करना चाहिए। अगर दंड शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाए तो मत्स्य न्याय होगा, अन्याय होगा, अराजकता होगी, और अगर उसका गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो न केवल आम लोग, साधु संन्यासी भी विरोधी हो जाते हैं। मनु ने त्रि पर बल दिया, इसलिए वैदिक साहित्य पर ज़्यादा बल दिया, इसीलिए इसको काल्पनिक साहित्य और तथाकथित कथा साहित्य कहते हैं। शुक्र ने दंड नीति को ही महत्वपूर्ण माना है, लेकिन दंड नीति का प्रयोग भी धर्म के अनुरूप करने की बात कही है। ये है तीनों विचारकों की, तीनों ग्रंथों के, जो विशेष रूप से ब्राह्मण साहित्य का मुख्य भाग है, जिसको आप सनातन साहित्य कहते हैं या हिंदू साहित्य कहते हैं। इन तीनों में अर्थशास्त्र मोर प्रैक्टिकल है, मनुस्मृति कम है, तथाकथित है, कहानी है, और शुक्र नीति सार है, वो भी अधिकांशतः मनुस्मृति की तरह है। तो ये तीन मुख्य प्राचीन चिंतन के स्रोत जो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, उनके बारे में हमने विवेचन किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।